हेलो बच्चों बच्चों, आज हम आप सबने पहले पढ़ा है ना कछुआ और खरगोश। तो आज हम कछुआ और खरगोश की ड्राइंग बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कछुआ बनाने के लिए एक ओवल शेप ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। ठीक है, और एक ओवल शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, दो छोटे छोटे ओवल शेप। ओके, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर हल्का सा ट्रायंगल शेप। ओके, ये देखो बहुत सिंपल है ना बनाना। ये हमारा अभी क्या करना है हमें, इसके ऊपर कुछ बॉक्सेस से होते हैं ना, तो ये हमें यहाँ पर कुछ बॉक्स ड्रॉ करने हैं, लाइक दिस। ओके, ये देखो हमारी, और फिर आप इसमें ग्रीन कलर से आउटलाइन करके इसमें कलर कर सकते हो। अभी खरगोश, खरगोश के लिए हमें हल्का सा ट्रायंगल जैसा देना है, हल्का सा, ओवल शेप भी नहीं कह सकते और ट्रायंगल भी नहीं, हल्का सा मूर्ति बुलाना है। और यहाँ पे जैसे हम लीफ ड्रॉ करते हैं ना, हल्का सा ये वाला शेप देते हुए, तो ऐसे बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ से उसके ईयर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है बच्चा, ये उसके टू ईयर्स। फिर हमें हल्का सा यहाँ से ये ड्रॉ करते हुए, ये इसकी पूंछ ड्रॉ करनी है। ओके, टेल, और ये ऐसे है। पहले हम यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हल्का सा ओवल शेप यहाँ, और ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, और यहाँ से भी एक छोटी सी लाइन। यहाँ से हल्का सा यहाँ उसकी आईज, और ये उसकी नोज। ओके, फिर आप उसको हल्का सा शेड देके इसमें पिंक कलर कर सकते हो। बच्चों ये देखो, आप इससे एक स्टोरी भी जो आपने सुनी है ना काफ़ी बार, एक कछुआ था एक खरगोश था, उन दोनों में रेस लगी थी कौन दौड़ेगा, तो हम इस कहानी को एक क्राफ्ट के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर आपको स्टोरी भी ड्रॉ बनानी सीखनी है तो आप स्टोरी भी बना सकते हो एक क्राफ्ट के द्वारा जरिए, ठीक है, वरना तो आप अपनी ड्राइंग में भी इसको ड्रॉ करना सीख सकते हो। ओके, तो मैं आपको स्टोरी भी दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, जो बुक के पीछे का जो पेपर रहता है ना, हार्ड होता है थोड़ा सा, उस पर ये सिंपल से ट्री ड्रॉ करने हैं। ट्री तो आपको ड्रॉ करना आता ही है ना, टू लाइंस और फिर कुछ कर्व लाइंस, ये ना है ना, आप सबको आता है ना ट्री ड्रॉ करना। ओके, फिर यहाँ पे हमने ट्री ड्रॉ कर दिए हैं, और फिर क्या किया है, यहाँ पे हमने टू छोटे छोटे से होल कर दिया है जिसमें ये धागा लगाया है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो ये थोड़ा सा नीचे की साइड में लगाया है, और ये एक थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे,
छोटा सा होल करके उस धागे को हमें यहाँ पर गांठ लगा देनी है, ठीक है। और दूसरा होल हमें लास्ट में करना है, उसमें भी हमें सेम ओके यहाँ पर भी हमें एक गांठ लगानी है। अभी दिख रहा है आपको, ये मैंने धागे इधर की साइड रखे हैं ओके। अभी हमने जो कछुआ और खरगोश बनाए थे ना, उसको क्या करना है हमें, खरगोश को यहाँ इस साइड में रखना है और कछुए को इस साइड में। अभी ये इसके ऊपर पेस्ट करना है। अभी पेस्ट करने के लिए क्या करना है हमको, आपको पता है ना, मैंने आपको सिखाया है ना पहले भी, टू छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है। और उसको क्या करना है हमें, फेविकॉल लगा के लेना है, यहाँ पर ओके। और इस पर हमें खरगोश को पेस्ट करना है। अब इसको हम थोड़ा ड्राई होने देंगे, तब तक हमें कछुए के लिए भी करना है ओके। अगर आपको स्ट्रिप नहीं बनानी आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इसमें एक सर्कल शेप का भी छोटा सा सर्कल, कोई सा भी शेप काट के एक छोटा सा पेपर लेकर इसको देखो लास्ट कॉर्नर में पेस्ट कर सकते हो ओके। अभी ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, और ये बस ये है कि ये मूव नहीं करेगा और ये स्लाइड भी कर सकता है ऐसे भी ओके। और वो एक ही जगह पेस्ट हो जाएगा बिल्कुल कॉर्नर में, जब हम ये धागा लास्ट में ले लेंगे तब। अभी ये धागा हमें बिल्कुल लास्ट में लेना है अभी ये हमारे थोड़ी ड्राई होने तक हमें वेट करना है। अभी देखें अभी देखो हमारे कछुआ और खरगोश रेस के लिए रेडी हैं। अभी आप कहानी भी सुनाइएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में। आपको दोनों में ही स्टोरी सिखाई है ना मैम ने, तो आप अपने मम्मी पापा को इस क्राफ्ट के जरिए ये स्टोरी भी सुना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप अपनी ड्राइंग में भी इसको ड्रॉ करके रख सकते हो ओके। अभी कौन मुझे कहानी सुनाएगा, चलो पहले मैं आपको सुनाती हूँ और फिर आप मुझे सुनाओ ओके। क्या था, एक बहुत बड़ा जंगल था, जैसे कि आप सबको दिख रहा है ना ये जंगल। उसमें क्या रहते थे, जंगल में कौन रहता है, जानवर रहते हैं ना बहुत सारे। तो दिख रहे हैं आपको ये एलिफेंट और बहुत सारे एनिमल्स रहते थे ना, ये देखो मंकी
ठीक है, और ये हिरन, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप मुंह से बोल के स्टोरी सुनाओगे, ओके। ये मेरे पास है तो मैं आपको सुनाती हूँ, ओके। क्या होता है, एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन कछुए ने खरगोश से बोला, खरगोश क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो खरगोश ने बोला, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, तुम तो कितना धीरे धीरे चलते हो, मैं तो कितना फास्ट फास्ट दौड़ता हूँ, और तुम मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं बन सकते, मैं तो बहुत तेज़ तेज़ भाग जाता हूँ। और फिर क्या होता है कि खरगोश कछुआ बहुत उदास हो जाता है। फिर खरगोश कछुए से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रेस लगाओगे कि कौन पहले दौड़ेगा, कौन पहले ये रेस जीतेगा? तो कछुआ क्या बोलता है, ठीक है हम रेस लगाएंगे। खरगोश को अपने ऊपर बहुत अभिमान था कि मैं सबसे तेज़ दौड़ता हूँ। तो होता क्या है कि सारे जानवर इकट्ठे होते हैं रेस देखने के लिए, और मंकी भी मंकी को जज बनाते हैं कि मंकी यहाँ पे बैठ के देखेगा कि कौन फर्स्ट आया है, ओके। अभी होता क्या है कि रेस स्टार्ट होती है, दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर अभी खरगोश तो बहुत फास्ट फास्ट दौड़ता था ना, तो वो जल्दी 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 दौड़ कर बहुत आगे निकल जाता है, और कछुआ धीरे धीरे पीछे स्लो 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 चल रहा होता है, और खरगोश तो बहुत तेज़ तेज़ दौड़ता है। और फिर खरगोश जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह चुका होता है। अभी क्या होता है कि वो सोचता है कि जब तक कछुआ बहुत देर में दौड़ेगा तब तक मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। वो क्या करता है, ट्री के नीचे सो जाता है, उसको नींद आ जाती है और वो वहाँ पर सो जाता है। अभी उसको तो नींद आ जाती है, वो सोचता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, अभी मैं तो वैसे भी जीत ही जाऊँगा, वो तो बहुत देर में आएगा। उसको तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड था, अभिमान था कि मैं ही रेस जीतूँगा, मैं ही फर्स्ट आऊँगा। इधर बेचारा कछुआ धीरे 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 चल रहा था, पर उसने हार नहीं मानी, वो नहीं रुका, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इधर खरगोश तो सो गया था, उसको तो थक के नींद आ गई, पर कछुए ने हार नहीं मानी, वो धीरे 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 चलता गया चलता गया चलता गया। और फिर क्या होता है, वो उसने तो रुका ही नहीं, क्योंकि उसको अपने ऊपर अभिमान नहीं था, उस तो वो तो अपनी रेस में चलता गया चलता गया चलता गया। और फिर क्या हुआ, वो रेस जीत गया, देखो फिनिश पे आके उसकी रेस ख़त्म हो गई। और खरगोश क्या करता रह गया, खरगोश तो सोता ही रह गया, क्योंकि उसको तो ये अभिमान था कि वो जब उठेगा तो वापस से रेस जीत जाएगा। तो आप तो ये कहानी मुझसे भी अच्छी जानते हो ना, आप बहुत अच्छे से अपने मम्मी पापा को ये स्टोरी सुनाओगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे पता है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ये बहुत सिंपल है बनाना, एक पीछे के पेपर पे आप कुछ ये ट्री ड्रॉ कर दो, और जो ये जो हमने ड्राइंग की है कछुआ खरगोश की, उसको एक धागे में बांध कर उसको ऐसे बस इधर उधर खींचना है डोरी से। तो देखो अभी जब कछुआ ये खरगोश उठा, जब उसने देखा तब तक तो कछुआ रेस जीत चुका था, और उसको अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ, और उसने कछुए को क्या बोला, सॉरी बोला, और उस फिर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।